हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम झारखंड स्पेसिफिक जो हमारा जेपीएससी का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा झारखंड का पूरे सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम सारा झारखंड का जनरल नॉलेज कम्प्लीट कराएंगे। अब सभी बच्चों से एक मैं अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो, तो एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में इतना लिख दें कि प्लीज़ कंटिन्यू, जिससे मुझे पता चले कि ये सीरीज़ जो है आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आपको अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें और मुझे कंटिन्यू करानी है। खैर, अब इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं आखिर है क्या। देखिए, कई सारे झारखंड स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो हमने देख लिया है, तो मैं आपको बता दूँ इस पार्ट में हमने क्या क्या कम्प्लीट करा दिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो किया था झारखंड का, कि 1947 से लेके हमने किस तरीके से झारखंड की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी वो चीज़ देखी थी। फिर उसके बाद हमने ज्योग्राफी देखा है झारखंड का। फिर उसके बाद हमने फॉरेस्ट देखे, जंगल। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज हमारा वीडियो होने वाला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसके बाद फिर हम रिवर्स, माउंटेंस, माइंस एंड मिनरल्स। जब ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा 10 क्वेश्चंस यानी कि 20 नंबर का हमारा सुनिश्चित हो जाएगा कि हम जो है 20 नंबर 20 मार्क्स ला सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है और ये हमें पढ़ना तो है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो चीज़ होती है, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो ये रहा, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो सेंचुरी एक जगह होता है, एक प्लेस होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं, उनका एक हैबिटेट है जहाँ वो रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब ये है कि जो जानवर का जो हैबिटेट है, जो एनिमल्स का हैबिटेट है, उसे तो प्रोटेक्ट करता ही है, पर साथ में उसकी जो सराउंडिंग्स एरिया है, उसका जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो फॉरेस्ट है, वहाँ का जो रिवर है, उसे भी प्रोटेक्ट करना होता है। किस चीज़ से? कि जो ह्यूमंस का इंटरफेरेंस ना हो, जो डिस्टर्बेंस है उसे रोका जा सके, इसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया होता है। अगर वहाँ पे इंक्रोचमेंट होता है, अगर वहाँ पे पोचिंग होती है, अगर वहाँ पे इलीगल ट्रेड होता है, तो वहाँ पे आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है और आपको जेल भी हो सकती है, उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड अगर सेंचुरी है तो वो नेशनल पार्क भी हो सकता है, वो बायोलॉजिकल पार्क भी हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कितने सेंचुरीज हैं, कितने पार्क हैं झारखंड में। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली वाइल्ड लाइफ एरियाज जो इस्टेब्लिश हुए थे झारखंड में, उनका एम था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उनके सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करना, जिससे कि नेचर के साथ बैलेंस बन सके। तो आपको मैं बता दूँ, टोटल झारखंड में एक नेशनल पार्क है, ठीक है, उसका नाम है बेटला नेशनल पार्क। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यह है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद है 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फिर उसके अलावा है एक एलिफेंट सेंचुरी, जिसे डलमा सेंचुरी भी कहते हैं इन झारखंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा भी है, जैसे कि बायोलॉजिकल पार्क। अब भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क एक तरीके का मान लो आप जू टाइप का होता है जिसमें कई सारे जानवर होते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल पार्क। तो भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क इन मांझी, और उसके बाद बिरसा मृग विहार इन कलामाती, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड इन मूटा नियर मांझी। डलमा सेंचुरी ऑफ सिंहभूम डिवीज़न। अब देखो, जो डलमा सेंचुरी जो मैं आपको बता रहा था कि ये एलिफेंट का जो सेंचुरी है, वो इट वॉज़ द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द कंट्री, ठीक है, पूरे भारत का वो फर्स्ट सेंचुरी है, ये चीज़ आपको याद रखना है, फर्स्ट एलिफेंट सेंचुरी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था 26 सितंबर 2001 में, ठीक है, चलो 26 सितंबर 2001 में। यदि आप वाइल्ड फौना देखोगे वहाँ किस प्रकार के जानवर मिलते हैं झारखंड में, तो बहुत ही डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे, कई प्रकार के जानवर मिलते हैं। मेजर स्पीसीज़ जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, गौड, वुल्फ, बियर। और मैं आपको बता दूं, ये जो शेड्यूल फर्स्ट एनिमल्स हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पता है एक कानून पास हुआ था जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसमें टोटल शेड्यूल्स दिए हुए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, और ये शेड्यूल्स बनाए गए हैं डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन पे बेसिस पे।
यानी कि जो शेड्यूल वन में जिन जानवर का नाम लिखा हुआ है उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। शेड्यूल सेकंड थोड़ा सा डिग्री कम है प्रोटेक्शन का, इसी तरीके से शेड्यूल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें मेंशनड है कि शेड्यूल फर्स्ट के जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, गौड़, वुल्फ, बियर, ये सारे पाए जाते हैं झारखंड में। उसके अलावा जो शेड्यूल सेकेंड के जो एनिमल्स हैं जैसे ग्रे लंगूर, मंकी, कोया, ये भी मिलता है। उसके अलावा शेड्यूल थर्ड्स के जो एनिमल्स हैं जैसे कि चीतल, सांबर डियर, नील गाय, वाइल्ड पिग, डियर, हाइना, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। इसके अलावा कई स्पीसीज बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इंसेक्ट्स ये भी मिलते हैं। चलो तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब उसके अलावा जो है, अब नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ खास वहाँ पे दिया नहीं है। चलो सबसे पहला है हमारा बेटला नेशनल पार्क। कौन सा है? सबसे पहला बेटला नेशनल पार्क। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1986 में। एरिया इसका है 231.67 किलोमीटर, ठीक है। एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है? यह है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है बेटला नेशनल पार्क, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1986 में। एरिया 231.67 किलोमीटर। मेजर जो वहाँ पे जानवर एनिमल्स मिलते हैं वो है टाइगर, एलिफेंट, सांबर और डियर, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रनिंग द टाइगर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आपको ये चीज़ याद रखना है, टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इसलिए बेटला नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये झारखंड का सिर्फ और सिर्फ पहला और लास्ट, अभी तक का सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है ये। इसके अलावा और कोई नेशनल पार्क नहीं है झारखंड में। चलो अब उसके बाद हम सेंचुरीज देखते हैं। देखो उसके बाद है हमारा हजारीबाग सेंचुरी। क्या है? हजारीबाग सेंचुरी। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1976। एरिया 186.25 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, ठीक है। कौन से जानवर हैं? लेपर्ड, डियर, सांभर डियर। फिर उसके बाद है पलामू सेंचुरी। पलामू सेंचुरी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1976 में। देखो 1976 में ये भी हुआ था, 1976 में ये भी हुआ है, आपको याद रखना है ऐसे। एरिया है 794.33 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने दो चीज़ें देखा, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में एक पलामू देखा हमने, एक बेटला नेशनल पार्क देखा। जानवर कौन से हैं? एलिफेंट, टाइगर, सांबर डियर, जो फेमस जानवर हैं। ऐसे जानवर तो कई सारे हैं जो वहाँ के अम्ब्रेला स्पीसीज हैं। फिर उसके बाद है महुआ डार वुल्फ सेंचुरी। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1976 में। देखो 1976 में। एरिया 63.25 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट लातेहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मेजर जानवर कौन कौन से हैं? नाम है वुल्फ सेंचुरी, यानी कि वुल्फ तो हो गई, इसके अलावा डियर, वाइल्ड बोर्स, वुल्फ डियर वाइल्ड बोर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा डलमा सेंचुरी। क्या है? डलमा सेंचुरी। इस्टेब्लिशमेंट 1976। एरिया 193.22 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम, याद रखना है ईस्ट सिंहभूम। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया है, तो मेजर जानवर कौन सा होगा? एलिफेंट तो होगा ही, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर, ठीक है, एलिफेंट, लेपर्ड और डियर। और यहाँ पे एलिफेंट का प्रोजेक्ट, जो पूरे इंडिया में एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो इसी जगह से स्टार्ट हुआ था, इसलिए डलमा सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद है टोपंची सेंचुरी। क्या है? टोपंची सेंचुरी। इस्टेब्लिशमेंट 1978। एरिया 8.75 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट धनबाद डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से जानवर हैं? लेपर्ड, वाइल्ड बोर्स, ठीक है, लेपर्ड, वाइल्ड बोर्स। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेक भी है, झील भी है, जिसका नाम है हरी पहाड़ी, आपको याद रखना है हरी पहाड़ी। ये सेंचुरी के बिल्कुल बीचों बीच ये बनाई गई थी, हरी पहाड़ी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है टोपंची सेंचुरी में। खैर कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि बेटला नेशनल पार्क झारखंड का एक ऐसा इकलौता नेशनल पार्क है जिसने नेशनल स्टेटस मिला हुआ है, ये चीज़ तो हमने देख लिया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम डैम का सेंसस किया गया था काउंट करने के लिए, ठीक है। कब किया गया था? बेटला नेशनल पार्क इन 1932 में किया गया था। ब्यूटीफुल लेक अभी हमने देखा, हरी पहाड़ी, ये कहाँ पे है? ये है टोपंची सेंचुरी के बीचों बीच में है, ठीक है।
एलिफेंट प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था? डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व ऑफ द कंट्री कब सेटअप हुआ था? 26 सितंबर 2001, ठीक है, कहाँ? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इसे सेटअप किया था, ठीक है। राजमहल फौजल सेंचुरी, राजमहल फौजल सेंचुरी ये कहाँ लोकेटेड है? यह है साहेबगंज में लोकेटेड है। कहाँ? साहेबगंज में, ठीक है। नक्षत्र वन एंड सिद्धू कानू, नक्षत्र वन एंड सिद्धू कानू पार्क कहाँ पे है? रांची में, ठीक है। तिलैया बर्ड विहार, तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? ये कोडरमा में, कहाँ है? कोडरमा में। तेनूघाट एंड चंद्रपुरा, तेनूघाट एंड चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट, आपको याद रखना है। तेनूघाट एंड चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद है इचगढ़ बर्ड विहार, इचगढ़ बर्ड विहार, इचगढ़ पक्षी विहार कहाँ है? सरायकेला खरासवां डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है? सरायकेला खरासवां डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलो अब आगे हम सेंचुरी देखते हैं। आपको मैंने बताया था टोटल 11 सेंचुरी झारखंड में और एक एलिफेंट कॉरिडोर है। देखो ये जो डबल स्टार है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है ना। लवलोंग सेंचुरी क्या है? लवलोंग सेंचुरी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1978 में। एरिया 207 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट चतरा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है? चतरा डिस्ट्रिक्ट। वाइल्ड लाइफ कौन कौन से हैं? टाइगर लेपर्ड नीलगाय डियर सांबर डियर, ठीक है। टाइगर लेपर्ड नीलगाय डियर सांबर डियर, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा कोडरमा सेंचुरी, क्या है? कोडरमा सेंचुरी। इस्टेब्लिशमेंट 1985। एरिया 177.95 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, नाम ही कोडरमा तो कोडरमा सेंचुरी नाम ही है। वाइल्ड लाइफ लेपर्ड सांबर डियर डियर, ठीक है, लेपर्ड सांबर डियर डियर। चलो फिर उसके बाद है पारसनाथ सेंचुरी, क्या है? पारसनाथ सेंचुरी। इस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1981, क्या है? 1981। एरिया कितना है? 43.33 किलोमीटर, 43.33 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट गिरडी, याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट गिरडी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो यह लेपर्ड सांबर डियर डियर नीलगाय, ठीक है, लेपर्ड सांबर डियर डियर नीलगाय। फिर उसके बाद है पालकोट सेंचुरी, क्या है? पालकोट सेंचुरी। इस्टेब्लिशमेंट 1990, क्या है? 1990। एरिया 183.18 किलोमीटर, कितना है? 183.18 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गुमला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गुमला। वाइल्ड लाइफ लेपर्ड वाइल्ड बोर्स, लेपर्ड वाइल्ड बोर्स। चलो फिर उसके बाद है उधवा, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, क्या है? उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, क्या है? मनपाट, क्या है? मनपाट। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1991, कब हुआ था इस्टेब्लिश? 1991। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? साहेबगंज, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? साहेबगंज। वाइल्ड लाइफ जानवर कौन कौन से हैं? वाटर क्रो वीवर्स बर्ड, ठीक है, वाटर क्रो वीवर्स बर्ड। किंग फिशर्स वैगटेल, किंग फिशर्स वैगटेल खंजन। माइग्रेटरी बर्ड्स आर ऑल्सो विजिबल हियर इन विंटर। ये देखो बच्चों, माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती है ना जो एक पक्षी माइग्रेट करती है सीजन्स में। एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे पता है ये हमारा इंडिया है और ये रसिया है, तो रसिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, तो वहाँ की जो बर्ड्स है ना वो विंटर में जाती हैं कहीं और कि उन्हें थोड़ा सा राहत मिले, तो वो इंडिया की तरफ माइग्रेट करती हैं, उन्हें कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस जगह आती हैं उधवा लेक बर्ड सेंचुरी में, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलो ठीक है, फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल पार्क, अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क लगभग चार हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पे चार हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फेमस जो रांची जू आपको बोला जाता है, रांची जू वो इसे ही बोला जाता है, बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क को हम रांची जू भी कहते हैं ना। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1954 में। किस रिवर के किनारे बसा है ये चीज़ बायोलॉजिकल पार्क? तो यह है सपाही रिवर, क्या है? सपाही रिवर, ठीक है, सपाही रिवर। कौन सा नेशनल हाईवे वहाँ से गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 33, नेशनल हाईवे 33। अब देखो और मांझी जगह है रांची डिस्ट्रिक्ट में, और मांझी ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो मैं आपको बताऊँ, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, आईएएस में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है,
कि किस रिवर के किनारे है, कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोनों तो पूछ सकता है किस रिवर के किनारे है, कौन सा हाईवे गुजरता है। इसलिए आपको उसके लिए भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क, दूसरा हमारा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ये भी हमारा बायोलॉजिकल पार्क है। क्या है? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश अंडर द IUCN प्रोग्राम। देखो IUCN प्रोग्राम के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। IUCN प्रोग्राम के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था, कब? 1987 में। कहाँ पे? रुक्का। कहाँ पे? रुक्का, रांची डिस्ट्रिक्ट का रुक्का जगह पे, है ना, रांची डिस्ट्रिक्ट के रुक्का जगह पे। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो IUCN होता है ना, IUCN, इसका काम होता है कि जो भी बर्ड स्पीसीज हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ के एनिमल स्पीसीज हैं, उसमें उनको लिस्ट करना कि कौन सा थ्रेटेंड है, कौन सा वल्नरेबल है, जिससे कि हम जो है उसको प्रोटेक्शन दे सकें। ऐसे कई सारे स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनका भी ये लिस्ट जारी करता है। तो IUCN प्रोग्राम है बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो बर्ड की स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए IUCN बनाया गया है। और आपको याद रखना है IUCN एक NGO टाइप का है, वर्ल्ड NGO टाइप का है ये। चलो नेक्स्ट है हमारा बिरसा मृग विहार। क्या है? बिरसा मृग विहार, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कालामाती ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची डिस्ट्रिक्ट के कालामाती जगह पे, ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट के कालामाती जगह पे। ये किसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सांबर डियर एंड चीतल, ठीक है, सांबर डियर एंड चीतल, सांबर डियर एंड चीतल। चलो नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क। ये चीज़ कहाँ लोकेटेड है? देखो ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। और बोकारो को हम ये भी बोलते हैं बोकारो स्टील सिटी, है ना, क्योंकि वहाँ पे बोकारो का स्टील प्लांट है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी पार्क, इसको सिटी पार्क भी बोला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या नाम है इसका? जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हो गया। अब आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप ये प्लीज़ कंटिन्यू लिख के भेजो आप, जिससे कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कराऊं और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये रिवर्स है, रिवर्स हम कंप्लीट कराएंगे और माइंस एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे, जिसके बाद हमारा जो है ये वाला जो टॉपिक है 10 questions वाला है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं पूरा झारखंड भी कंप्लीट करा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। यदि आपका कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे समझ में आ जाएगा। और फिर थैंक यू सो मच।